अकाउंटिंग एजुकेशन का 5वां जन्म दिवस मना रहे हैं। आज से 5 साल पहले या 19 जनवरी 2008 को मैंने अकाउंटिंग एजुकेशन की वेबसाइट का शुभारंभ किया था, जिसका मकसद एक ही था कि जितने भी विद्यार्थी हैं उनको अकाउंटिंग के क्षेत्र में सपोर्ट करना, तथा यह जो सपोर्ट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तथा मुझे आज यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो अकाउंटिंग एजुकेशन है, बहुत सारी अकाउंटिंग रिसोर्सेस में एक जाना पहचाना नाम है, तथा आपने इसको बहुत ही पसंद किया, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। इन 5 वर्षों में बहुत सारे अकाउंटेंट्स की या सीए की या सीपीए की या प्रॉब्लम्स को मैंने कोशिश की उनको सॉल्व करने की, तथा बहुत सारी समस्याओं को जब मैं देखता हूँ तो उनसे बहुत कुछ सीखने को भी प्राप्त होता है। तथा बहुत सारे विद्यार्थी जो कि बीकॉम के थे, एमबीए के थे, सीए करे थे, सीएस करे थे या ICWA करे थे, उनके जो एप्रिसिएशन के लेटर आए, उन्होंने मेरे को इस काम को और प्रमोट करने के लिए काफ़ी शक्ति प्रदान की है। तथा उन सभी विद्यार्थियों का मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो अकाउंटिंग एजुकेशन को पढ़ते हैं, तथा यूट्यूब में जो मेरे लेक्चर हैं उनको देखते हैं। तथा आगे की जो योजना यह है कि अब मैंने एक इसका सर्च इंजन, अकाउंटिंग एजुकेशन का सर्च इंजन भी बनाया है। सीधा ही सर्च इंजन से उसको देख सकते हो। तथा इन 5 वर्षों में मेरा जो मेन एम था कि हर एक अकाउंटिंग की प्रॉब्लम को सिंपलीफाई करना, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है, उसको सिंपलीफाई करना, क्योंकि अभी भी बहुत सारी बुक्स हैं पर बुक्स का जो लिखने का तरीका है उनका सिर्फ का सिर्फ उनको सिर्फ रिसोर्स प्रदान करना है। जो मेरा मकसद है इसको इतना सिंपल बना दिया जाए कि एक जो व्यक्ति है जिसने मान लो कि +2 आर्ट से की है या नॉन मेडिकल से की है, वो व्यक्ति भी अकाउंटिंग को समझ सके है। तो इसके लिए हर तरह के रिसोर्स को मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तथा फाइनेंस के क्षेत्र में जैसे या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको भी सिंपलीफाई करने की कोशिश की है। तथा हर तरह के विद्यार्थी का इस अकाउंटिंग एजुकेशन में स्वागत है, तथा उनको कोई भी समस्या आती है वो डायरेक्टली मुझे मेरे डाटाबेस में लिख लिख कर बता सकते हैं। हम एक कम्युनिटी भी बना रहे हैं, तथा आपका मुझे इसमें सहयोग चाहिए। तथा आप इसका सहयोग, मान लो मेरी कम्युनिटी में कोई भी क्वेश्चन जो मुझे नहीं आता पर वो विद्यार्थी की समस्या है, उसको आप भी सॉल्व कर सकते हो।